ठीक है, तो हमारे पास आज चलता है फोर्थ टाइप का वेक्टर। जैसे क्या मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ऐसा तो कुछ समझा ही रखा है? मान लो ये मैंने क्या बनाया, एक क्या लग रहा है तुम्हें, एक बॉक्स लग रहा है। इसमें ये वाली डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, किस डायरेक्शन से, इसको और इसको, और मैं इन सब पे बनाता हूँ वेक्टर्स। देखना कैसे कैसे। मान लो कि मैंने वेक्टर बनाया एक, तो ये इधर क्या नाम दिया, एक वेक्टर बनाया इधर क्या नाम दिया, एक वेक्टर बनाया इधर क्या नाम दिया, एक वेक्टर बनाया इधर क्या नाम दिया। ये जो वेक्टर है ना, ये ऊपर वाली प्लेट पर है, ये वाला वेक्टर सामने वाली प्लेन पर है, सी वेक्टर इस वाले प्लेन पर है। इनमें से कौन कौन से वेक्टर तुम्हें लगता है जो कि एक ही प्लेन पर है, बताओ कौन कौन से वेक्टर एक ही प्लेन पर है। ए एंड बी को क्या बोला जाएगा, अ वेक्टर इज नोन टू बी कोप्लेनर इफ दे आर लाइज इन सेम प्लेन। इस रूम में देखो कितनी दीवारें हैं, साइड्स कितनी है, सॉरी फेस कितने हैं, छः, 1 2 3 4 5 6। ट्यूबलेट्स कहाँ कहाँ लगी हुई, एक और गिन लो सारी। पक्का गिल्ली। तो मैच्योरिटी इज वैन कि एक भी ट्यूबलाइट इसके अंदर नहीं है, इस रूम में एक भी ट्यूबलाइट नहीं है बच्चों। एलईडी लाइट्स कितनी है अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, दो इस तरफ भी लगा रखी मैंने जो तुम्हें नहीं दिख रही। तो एक दो ऐसे मान लो, 1 2 3 4 6 है ना, ये वाली ट्यूबलाइट मतलब एलईडी लाइट जो है इस दीवार पर कितनी है, केवल एक। इस पर भी कितनी है, एक। ऊपर वाले फोर सीलिंग पे कितनी है, दो है। तो कौन सी ट्यूबलाइट ऐसी है जो कोप्लेनर मानी जाएगी, जो ऊपर है, कौन कौन सी, वो दो वाली। तो कोप्लेनर वेक्टर आर दोज वेक्टर विच इज लाई विच आर लाई ऑन सेम प्लेन। तो ये दोनों एलईडी लाइट जो है एक ही प्लेन पर मौजूद है, इसे कोप्लेनर लाइट बोलेंगे। और इन दोनों को नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, ये दोनों कोप्लेनर सही है क्या, ठीक है। तो यहां पर एग्जाम्पल लेता हूं, ए कोमा डी सी, ए कोमा बी डी कोमा सी डी कोमा बी, ये सारे के सारे क्या है, नॉन को प्लेनर। बोलो समझ में आया क्या, को प्लेनर एंड नॉन को प्लेनर। हजम होगी बात, डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, काफी ना इतना, ठीक है। फिर मैं कुछ शेप बनाता हूं बच्चों। जैसे कि एक वेक्टर मैंने बनाया ऐसा और एक वेक्टर बनाया मैंने ऐसे, नाम दे दो इसको ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, बताओ क्या कहोगे। दोनों वेक्टर में कुछ खासियत तुम्हें दिख रही है तो कुछ बता दो, क्या खासियत दिख रही है। ये वाला जो है वो अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ए और बी दोनों। तो क्या मैं इसको ऐसा नाम दे दूं, को इनिशियल वेक्टर, हाँ या ना, है ना। और इसको एक और नाम, क्या नाम दे दिया, एडजेसेंट लाइन। क्या होती है, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है, 10th क्लास में पढ़ा था तुमने, 9th में पढ़ा था, इसको क्या नाम बोलेंगे, बोलो समझ में आया क्या। कॉन्टिन्यूस वेक्टर, कॉन्टिन्यूस वेक्टर आर दोज वेक्टर जो एक के खत्म होने के बाद दूसरा स्टार्ट हो। जैसे कि कौन सा सिस्टम, रेल सिस्टम या फिर चेन सिस्टम, सही ना। ये सारे कैसे होते हैं, एक खत्म होता है तो दूसरा स्टार्ट होता है। जबकि इसका एग्जांपल बताओ क्या लिखा है, हुक सिस्टम, एक ही पॉइंट से बहुत सारी चीजें हुक की जाती है ना, टांगना जिसे कहते हैं, ठीक है। और भी कोई एग्जाम्पल बताना चाहो इसका,
फैन हो सकता? नहीं, एक ही पॉइंट से तीन चार फैन लटका तो बाल अलग है। चलो ठीक है, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, तुम्हें सिर्फ समझाना है कि क्या बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तैयार हो? तो डायग्राम कुछ इस प्रकार का है, तुम्हें सिर्फ बताना है कि मैं क्या बना रहा हूँ। और जो इस क्लास में पहले से ही बैठा हुआ है, मतलब जो बहुत समय से है, कृपया करके शांति बनाए रखें। बता हार्दिक, क्या लग रहा है, क्या बना रहा हूँ मैं? कुछ फील हो रहा है क्या? कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यू, सोचता रहे। अब कुछ लग रहा है क्या? कुछ तो लग रहा होगा। चलो ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, अब देख लो। सच में बोलो, जवाब बोलो। खाई है? खाई बनाई है मैंने। नहीं लग रहा, खाई जैसा कुछ नहीं लग रहा। पहाड़, पहाड़ जैसा है, चट्टान गिर रही है। हार्दिक, नहीं लग रहा, खाई जैसा नहीं लग रहा क्या? लग रहा है ना, मैंने बोला तब लग रहा है। ठीक है, तो मतलब मेरी ड्राइंग इतनी घटिया है, तो यहां से मैं हार्दिक को गिरा रहा हूं। अब ये रहा हार्दिक, इसको बचाने कौन कौन जा रहा है? बच्चों बताओ, कौन कौन रेडी? एक मुदित को भेजता हूँ और इसको भव्य को भेज दूँ। भव्य खुश हो गया, देखो भव्य को देखते ही खुश हो गया। भव्य को रहने दे यार, मुदित को ले लेते हैं और खुशमेंद्र को ले लेते हैं, इन दोनों को बचाने के लिए भेजते हैं। तो बचाने के तरीके दो हो सकते हैं, एक इस तरीके से बचाया जाए। ये कैसे बचाया जा रहा है? ये हार्दिक है, ये मुदित है और ये खुशमेंद्र है। तो मुदित ने हार्दिक का एक हाथ पकड़ा और खुशमेंद्र ने हार्दिक का एक हाथ पकड़ा और दोनों पुल कर रहे हैं। एक तो ये हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ठीक है कि मुदित ने हार्दिक का हाथ पकड़ा, और क्या हो रहा है? खुशमेंद्र ने मुदित का हाथ पकड़ा, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब बताओ, इन दोनों केस में कौन सा ऐसा वेक्टर है जो कॉन्टिन्यूस है और कौन सा ऐसे वेक्टर है जो कोइनिशियल है? सेकंड वाला कॉन्टिन्यूस और ये वाला कोइनिशियल, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। दोनों में बताओ बचने की संभावना किस में ज्यादा है? श्योर हो? मैं कहूं दोनों में सेम है संभावना बचने की, मानोगे क्या? बाद में बताऊंगा कभी, मतलब आगे आएगी चीज। दोनों में बचने की संभावना सेम है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके से बचाना प्रेफर करते हैं, तू इसका हाथ पकड़ ले, इसका हाथ पकड़ ले। बाकी मैंने कटप्पा मूवी देखी थी, कटप्पा नहीं, बाहुबली, उसमें बाहुबली जो होता है वो किसी गुप्तचर के पीछे भागते भागते वो खाई में कूद जाता ना, तो वो उसके पीछे कूद जाता और वो भल्ला करके एक रस्सी फेंकता है। देखा है तुमने? समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? बल्ले को, सॉरी, अरे वो भल्ला, बल्लाल देव को, तो उसको बोलता है कि बल्ला ये ले रस्सी, और वो बल्ला हाथ में रस्सी पकड़ता है और ऐसे हाथ खुले रखता है और रस्सी छूटती जाती है और बाहुबली नीचे कूद जाता है। रस्सी के आखिरी पॉइंट पे गिठान बंदी होती है, रस्सी चली जाती है, लेकिन साइड में एक छोटा सा पत्थर होता है जिसमें रस्सी की गांठ फंस जाती है। इस वजह से बाहुबली बच जाता है और बाहुबली को लगता है बल्ले ने बल्लापन दिखा दिया अपना, लेकिन उसे क्या पता है कि वो दही बल्ला निकला, तो वो बाद में पता चलेगा, शुरुआत में नहीं। ठीक है, तो इसमें भी ये दोनों के सेम कंडीशन के लिए, मतलब सेम तरीके के बचने की संभावना दोनों में समान होगी, ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए कंटिन्यूस वेक्टर और कोइनिशियल वेक्टर, जोरदार तालियां इनके लिए कि ये बस 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 बस, एक कंटिन्यूस वेक्टर हो गया और एक कोइनिशियल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, मैं यहां पर दो वेक्टर बनाता हूं, यो और यो, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। दोनों में क्या लगता है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ सही है, नाम में पता चल रहा है, ये दोनों कौन से वेक्टर है? पैरेलल वेक्टर है। तो पैरेलल वेक्टर की कुछ खास बात होती है, पहली चीज, हाँ सेम इन। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, अभी तक मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया ना, उसमें यूनिट वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट था। वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है ना टाइप्स ऑफ वेक्टर में, वो ये है।
क्या पढ़ा रहा हूँ बच्चों मैं तुम्हें, पैरेलल वेक्टर। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, सेम इन डायरेक्शन। दूसरी प्रॉपर्टी, क्या लिखा है मैंने, डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड और सेम इन। इनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, और अगर सेम हो जाए इनका मैग्नीट्यूड तो वो कैन बी कॉल्ड, अरे क्या लिख रहा हूं ये, कैन बी कॉल्ड एज अ, क्या लिखा है, हाँ क्योंकि इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। जैसे दो न्यूटन का फोर्स मुझे यहाँ से लगा रहा है और एक ही जना दो न्यूटन का फोर्स फिर से यहीं लगा रहा है, इसका मतलब दोनों का फोर्स क्या है, सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड में, इसका मतलब दोनों फोर्स इक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम इक्वल वैक्टर। लेकिन पैरेलल वैक्टर में क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। दो चीज, तीसरी लाइन कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में जो तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें पता है बच्चों, बस तुम बता नहीं रहे हो। एग्जैक्टली क्या लिखा है यहां पर, नेवर इंटरसेक्ट। ये एक लाइन और लिखते हैं बच्चों, मीट एट कहां मिलते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्या, क्या लिखा है, इक्वी डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में हमेशा डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। तीनों लाइनें एक ही जैसी है वैसे तो देखा जाए, नेवर इंटरसेक्ट मीट एंड इनफिनिट इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये हो गया, ठीक है मुदित, अटेंशन प्लीज। तो ए और बी वेक्टर के बारे में बात होगी, तो मैं यहां पर एक कुछ बढ़िया सी चीज समझाता हूँ। मैंने क्या बनाया, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये डायरेक्शन कौन सी बोल देता हूँ, ये डायरेक्शन कौन सी बोल देता हूँ, और ये डायरेक्शन कौन सी बोल देता हूँ, वेक्टर बनाना हो, एक वेक्टर वेक्टर बना रहा हूँ बच्चों मैं ऐसा, ये कैसा लग रहा है, ये बढ़िया लग रहा है। तो इस पूरे वेक्टर को देखना, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया, अच्छा नहीं लग रहा यार, हाँ छोटा बनाना पड़ेगा थोड़ा वापस, अब सही है। तो मैंने वेक्टर बनाया, एक यहाँ एक यहाँ, क्या तीनों वेक्टर तुम्हें लग रहे हैं अलग अलग प्लेन पर है, मानते हो कि नहीं मानते हो, इस वेक्टर को नाम क्या देता हूँ, बी और सी। क्या ये तीनों वेक्टर पैरेलल लग रहे हैं क्या तुम्हें, क्या ये तीनों वेक्टर पैरेलल हैं क्या, क्या लगता है तुम्हें, सोचो जरा। तो मैं दो वेक्टर उठाता हूँ बच्चों ना, कोई भी दो मेरे पास है, दोनों सेम वेक्टर है ए, ठीक है। ये बॉक्स 3D मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, इस बॉक्स को यहां पर स्पेस मानूं तो क्या यही हो गया क्या ए, देख लो बोले, अगर यहां पर एक 3D स्पेस मानूं, बॉक्स मानूं, तो क्या ए डायरेक्शन बिल्कुल सही बना रहा है क्या, बी कहां बनेगा, सामने से फेस देख लो, क्या ऐसे बन रहा है क्या कुछ भी, सामने से देख लो भले, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ढंग से देख के बताओ क्या ये दोनों पैरेलल लग रहे हैं क्या, ये देखो आगे जाके इंटरसेक्ट, पैरेलल का मतलब होता है ये, हर केस में कहीं से भी घुमा के देख लो, एक दूसरे पर पैरेलल होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, या एक दूसरे से कभी मिलने वाला नहीं होना चाहिए। तो फील हो गया तुम्हें कि दो वेक्टर का पैरेलल होना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं लिखने वाला हूं वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम टाइम सेम प्लेन पर होना चाहिए, अगर डिफरेंट प्लेन पर है तो वो दोनों प्लेन पैरेलल होने चाहिए। सुनना, एक प्लेन है दूसरे प्लेन से वैसे ही कट रहा है तो उसकी सारी लाइनें आपस में हमेशा कटेगी, जैसे मान लो ये दीवार बनाई कैसे गई होगी, एक ईंट की लाइन, दूसरी ईंट की लाइन, तीसरी ईंट की लाइन, चौथी ईंट की लाइन, ये वाली दीवार कैसे बनाई होगी, ईंट की लाइन, ईंट की लाइन, ये वाली ईंट की लाइन ऐसे बनी है, ये वाली ईंट की लाइन ऐसे बनी, सारी ईंट की लाइन आपस में एक दूसरे से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, कट आपस में मैच करते हैं, तभी तो जॉइंट बना हुआ रहता है,
इसका मतलब एक प्लेन दूसरे प्लेन के अगर इंटरसेक्ट है तो उसकी बनने वाली सारी लाइनें भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। नेवर बी पैरेलल, कभी एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकती। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि दो डिफरेंट प्लेन की लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। एग्जांपल, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, दोनों ट्यूबलाइट एक दूसरे के पैरेलल, देख रहे हो क्या? मैंने फिर से गलत बोल दिया, एलईडी लाइट एक दूसरे के पैरेलल, समझ गए क्या? क्या ये वाला जो प्लेन है और ये वाला जो प्लेन है दोनों सेम है क्या? लेकिन ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, क्योंकि साफ ही दिख रहा परपेंडिकुलर है, वीडियो में नहीं दिख रहा होगा। बाकी इमेजिन करो कि इस ट्यूबलाइट, यहां पर एक एलईडी लाइट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ऐसे लगी हुई, यहां पर ऐसे लगी हुई, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है क्योंकि दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहां पर एक छोटी सी लाइन और लिख देता हूं, बट इफ बोथ प्लेन्स आर, है ना, अगर दोनों प्लेन्स आर पैरेलल है तब तो फिर दोनों वेक्टर जो हो सकते हैं एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं। हजम होगी इतनी सी लाइन, ठीक है? ये वाला टॉपिक तुमने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन हर बार कुछ नया पता चलता होगा, ठीक है? तो अपन आगे चल सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई वो मैं सिर्फ बता देता हूं और तुम्हें हजम करने के लिए कह देता हूं अभी फिलहाल। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो इसको तुम क्या लिख दो? लैम्डा बी, क्या लिख दो? अब ये लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करता है? तो सबका टीचर का बताने का अलग अलग तरीका होता है कि लैम्डा क्या है। मैं यहां पर लैम्डा बताता हूं, इनके बीच की डिस्टेंस है। एग्जांपल, अगर मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर है, कोई भी वेक्टर बनाता हूं, ए बराबर लिखा है मैंने आई कैप माइनस का 3j कैप प्लस का के कैप, और मेरे पास बहुत सारे वैक्टर दे रखे हैं, बी वैक्टर बराबर आई कैप प्लस का 3j कैप माइनस का के कैप, सी बराबर आई कैप माइनस का 3j कैप माइनस का के कैप, डी बराबर माइनस आई कैप प्लस का 3j कैप प्लस का के कैप, ई बराबर माइनस का आई कैप प्लस का 3j कैप माइनस का के कैप। बताओ इन चारों में से कौन सा वेक्टर है जो इसके पैरेलल है? बताओ, क्योंकि पैरेलल वेक्टर को सिर्फ देख के पता लगाया जाता है और किसी तरीके से पता नहीं लगा सकते। तो मैं तुम्हें बताता हूं, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल तब होगा जब इसमें किसी चीज का मल्टीपल होगा। अरे क्या हो गया? हाँ, और वो मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर, एनी इंटीजर नंबर, रियल नंबर भी हो सकता है, हम पर इंटीजर कंसिडर करते हैं। बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है? तो जवाब है नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, और ये वाला कैसे लगता है? अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा? आई के माइनस का 3j कैप प्लस का के कैप। बताओ क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम लग रहे हैं क्या? तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या है? माइनस वन, इनटू में क्या चल रहा है? ए। तो आ गया क्या समझ में? एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए सारा। एक वेक्टर है ए बराबर लिखा हुआ आई के प्लस का 7j कैप, तो बी वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर, चार वेक्टर लिखे, चारों को बताना था कि कौन कौन सा, कौन वेक्टर इसमें से पैरेलल है। तो मैंने लिख दिया माइनस का एक कैप माइनस का प्लस का 7j कैप, आई कैप माइनस का 7j कैप माइनस का एक कैप और माइनस का एक कैप और प्लस का जे कैप और 2i कैप प्लस का 14j कैप। बताओ कौन सा सही है? साफ ही दिख रहा है, दो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आ जाएगा क्या आंसर? तो पैरेलल वेक्टर को समझने का तरीका पता चल गया। तो यहां पर अब मैं एक वर्ड और लिखता हूं, नया कंसेप्ट। एक वेक्टर लिखा है मैंने ए और एक वेक्टर लिखा बी, इसे क्या बोलेंगे? हाँ, एंटी पैरेलल की खास बातें बोलते जाओ तुम। पहली बात, हाँ बस, ऑपोजिट इन व्हाट डायरेक्शन, इनकी अपोजिट होती है। दूसरी चीज, इसका मतलब क्या मैं इसमें पैरेलल वेक्टर की सारी प्रॉपर्टी डाल दूं क्या? सब आ गया, बस इसमें एक वर्ड है कि ये ऑपोजिट वेक्टर कब होगा? जब ए बराबर क्या होगा? माइनस का बी। जैसे एक बंदा है हार्दिक को यहां से खींचा, फोर्स बराबर कितना? 2 न्यूटन आई कैप से, और एक जना यहां से खींच रहा है 2 न्यूटन माइनस के आई कैप से,
तो ये वाला जो फोर्स है ना F1 और ये वाला जो फोर्स है F2, दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। सही है कि नहीं? एक आई कैप से खींच रहा है और एक माइनस के आई कैप से खींच रहा है। तो ये पैरेलल वेक्टर निकलेंगे, इन्हें क्या बोलेंगे बच्चों? सॉरी एंटी, ये इक्वल वेक्टर निकलेंगे, ऑपोजिट वेक्टर। तो इसकी खास बात, मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, सेम होता है, बट डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? ऑपोजिट, डिफरेंट नहीं बोलेंगे। बहुत सारे वेक्टर पढ़ लिए, बताओगे क्या एक एक करके नाम? पहला यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, दूसरा यूनिट वेक्टर, तीसरा, चौथा पैरेलल, है ना? नहीं, चौथा हो गया कोप्लेनर वेक्टर। अरे पोजीशन तो हो गया ना, ये देखो पहला जीरो वेक्टर, दूसरा यूनिट वेक्टर, तीसरा पोजीशन वेक्टर, चौथा कोप्लेनर, पांचवा नॉन कोप्लेनर, छठा कंटिन्यूस वेक्टर, सातवां को इनिशियल वेक्टर, आठवां, इधर 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 इधर, आठवां पैरेलल वेक्टर, नौवां इक्वल वेक्टर, है ना? इक्वल वेक्टर भी तो लिए इसके अंदर ही, साथ में अपन ने कहा गया ये रहा नौवां और दसवां, जो भी हो गया आप, मैं भूल गया काउंटिंग ही। एंटी पैरेलल और एक ऑपोजिट वेक्टर, ये हुए टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म। लेकिन इसमें भी अभी दो तीन बाकी है छोटे छोटे, वो आएंगे चर्चा के बाद। तो यहां पर मैं हेडिंग लिखता हूं बच्चों, क्या लिख रहा हूं? ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। क्या लिखा? ऑपरेशंस ऑन वेक्टर, वेक्टर पर ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं। अब जब भी हम कोई भी नया टॉपिक हमारे सामने आता है ना, चाहे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, चाहे आयोटा हो, चाहे वेक्टर्स हो, चाहे एरर्स हो, बहुत सारी चीजें, सब में एक चीज लास्ट में जरूर पढ़ते हैं, जोड़ भागी गुणा भाग। ऑपरेशंस ऑन एरर, ऑपरेशंस ऑन वेक्टर, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सब चीजें। तो यहां पर भी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? ऑपरेशंस, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? एडिशन पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करें एडिशन। तो एडिशन के अंदर सिर्फ एक कंसेप्ट है जो तुम याद रखोगे बच्चों, और हमेशा याद रखना ना, कभी मत भूलना, पूरे जीवन भर काम आएगा ये कंसेप्ट। एक वेक्टर है बी और एक वेक्टर क्या है, लाइन लिखवा रहा हूं सिंपल सी, टू कॉन्टिन्यूस वेक्टर का सम तीसरे डायरेक्ट वेक्टर के इक्वल होगा। शॉर्ट में याद करोगे तो दो कंटिन्यूस वेक्टर का सम तीसरे के बराबर होगा। इसका मतलब दो कंटिन्यूस वेक्टर दिख रहे हैं ए और बी, इन दोनों का सम करो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये किसके बराबर हो रहे हैं? डायरेक्ट वेक्टर होता है ना, डायरेक्ट इस पॉइंट से स्टार्ट करके यहाँ खत्म करने को, यही नियम है। डायग्राम कैसे बन रहा है ये बताओ, कैसा बन रहा है डायग्राम, शेप कैसा है? इसलिए इससे अपन कौन सा रूल कहते हैं बच्चों? हाँ, ट्रायंगुलर रूल फॉर वेक्टर एडिशन। काफी सारे बच्चों के दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता है, ट्रायंगुलर रूल के साथ साथ पैरेललोग्राम रूल अलग से क्यों दिया गया, जबकि दोनों में फॉर्मूला सेम होता है, आर बराबर ए प्लस बी। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, इसमें कंटिन्यूस वेक्टर आ रहा है और इसमें कैसा वेक्टर आएगा, ऐसा। कौन सा वेक्टर ये है? एडजेसेंट, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ना। अब इसी एडजेसेंट वेक्टर को अगर मैं क्या कर दूं, पैरेलल लाइन बना दूं, तो ये ए वेक्टर हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा? अभी अभी मैंने तुम्हें एक नियम बताया, क्या बताया? टू कॉन्टिन्यूस वेक्टर का क्या लिखा है बच्चों? सम किसके बराबर होगा? तीसरे वेक्टर के इक्वल। हाँ या ना? तो बताओ इसमें कंटिन्यूस वेक्टर कौन कौन से दिख रहे हैं? यही है क्या दोनों? हाँ या ना? तो यहां से यहां इन दोनों का सम कर दो, ए प्लस बी, और इसी को ही क्या लिख दो? आर वेक्टर। क्या लिख दो? अच्छा, ये दोनों भी तो ऐड हो सकते थे, और इसको भी क्या लिख सकते अपन? तो इससे एक ना एनओटी नोट हो गया बच्चा हमारे सामने, 5 रुपए खर्च करते पहली बार, कि ए प्लस बी भी क्या होता है,
और बी प्लस ए बी क्या होता है, आर वेक्टर, और दोनों को ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, ये भी कोई पूछने की बात है, लेकिन फिर भी एक नियम तैयार होता है बच्चों, इस नियम को पता है क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिविटी। हिंदी में इसका मतलब होता है क्रम विनिमय। क्या हुआ इसका मतलब, क्रम विनिमय, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, ए को बी में जोड़ो चाहे बी को ए में जोड़ो, आंसर क्या आएगा, जैसे 2 और 3 कितने होते हैं, और 3 और 2, हाँ, तो अगर ऑर्डर चेंज कर दे तब भी सेम चेंज ना हो, उसे बोलते हैं ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, सही बात है कि नहीं है, एडिशन प्रोसेस के अंदर, तो वेक्टर एडिशन में ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता चलेगा, लेकिन फिर भी ये लाइन याद रखना, 2 कंटीन्यूअस वेक्टर का सम तीसरे के बराबर होता है, फिर भी इसमें 2 कंटीन्यूअस वेक्टर का सम निकालने के लिए मुझे अलग से 2 पैरेलल लाइन बनानी पड़ी जिससे शेप चेंज हो गया, पहले शेप कैसा था अब शेप कैसा हो गया, इसीलिए सेकेंड लॉ है ये, इसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, पैरेललोग्राम रूल फॉर वेक्टर एडिशन। बोलो समझ में आया, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर एडिशन रूल्स या थ्योरम्स, तो हमारे पास 3 थ्योरम है, पहला ट्रायंगुलर रूल्स वेयर 2 वेक्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी कंटिन्यूअस, दूसरा पैरेललोग्राम रूल्स वेयर 2 वेक्टर आर टू बी कंसिडर एज एडजेसेंट वेक्टर या कोइनिशियल वेक्टर, और तीसरा नियम आता है बच्चों थर्ड, थर्ड में देखना, मान लो एक जना यहां से यहां गया, ए वेक्टर, कलर चेंज करते हैं, कौन सा वेक्टर है ये, ए, फिर क्या है बी, फिर क्या है सी, फिर क्या है डी, फिर क्या है ई, तो ए से बी यहां से यहां गए तो इसको नाम क्या देंगे, ए प्लस बी वेक्टर, फिर यहां से यहां जाए तो इसको नाम क्या देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहां से यहां जाएंगे इसको क्या बोलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कुछ समझ रहे हो, बताता हूं कैसे, 2 कंटिन्यूअस वेक्टर का सम तीसरे के बराबर होगा तो पता बाय डिफॉल्ट ये गायब हो जाता है, फिर 2 कंटिन्यूअस वेक्टर का सम तीसरे के बराबर होगा, गायब हो गया, फिर ये 2 कंटीन्यूअस वेक्टर का सम तीसरे के बराबर होगा, गायब हो गया, फिर ये 2 कंटीन्यूअस वेक्टर का सम तीसरे के बराबर होगा, तो क्या मेरा फाइनल आंसर, 2 मिनट बेटा, क्या मेरा फाइनल आंसर ये कहलाएगा कि आर, और क्या आएगा आंसर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब इसमें पूरा देखो कितने वेक्टर है, 2 वेक्टर थे क्या, नहीं, 3 थे क्या, नहीं, 4 थे क्या, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सबका कंटिन्यूस होना बहुत जरूरी है, क्या इसमें भी मैंने यही लाइन लगवाई है क्या, सब में नियम कंसेप्ट सेम है, इसमें ट्रायंगुलर रूल बना क्योंकि दोनों कंटिन्यूस थे, इसमें पैरेललोग्राम बना क्योंकि को इनिशियल थे, इसमें क्या बना, पॉलीगन, इसलिए इस नियम का नाम क्या बन गया बच्चों, पॉलीगन रूल फॉर वेक्टर एडिशन, समझ में आ गया, तो बताओ तीनों नियम अलग अलग कैसे फील हुए, ट्रायंगुलर तब बना जब दोनों वेक्टर कंटिन्यूस थे, पैरेललोग्राम कब, जब दोनों वेक्टर को इनिशियल थे, और पॉलीगन कब, जब तीनों वेक्टर, सारे वेक्टर एक दूसरे के कंटिन्यूस में चल रहे थे, ये 3 नियम हो गए किसके बच्चों, 3 नियम हो गए किसके, वेक्टर एडिशन के, अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं यहां पर, कहां पर, यही तुम्हें बचवाने खाई के अंदर, बताओ इसका आंसर भी क्या आया था, आर बराबर क्या मिला था, और इसका भी आंसर क्या मिला था, ए प्लस बी, मिला नहीं मिला था, जब दोनों से रिजल्टेंट वेक्टर सेम मिला है तो बताओ ये वाला और ये वाला दोनों में बचाने के तरीके में कुछ डिफरेंस आया, नहीं, प्रूव हो गया ना आर बराबर ए प्लस बी, ठीक है, तो मैं चाहता हूं बच्चों तुम है ना सिर्फ ये 3 डायग्राम बना लो, ए के डायग्राम, कुछ लिखना विखना मत, सिर्फ ये डायग्राम बनाओ क्योंकि आगे मैं इसको यूज में लूंगा, ए के डायग्राम, ए के डायग्राम और ये डायग्राम, तो मैं दोनों डायग्राम ना इस तरफ ड्रॉ भी कर रहा हूं,
बना लो जल्दी से, आर बराबर ए प्लस बी। और इसमें भी आर बराबर ए प्लस बी बनाओ। बना लिए तीनों डायग्राम। हेलो हेलो हेलो, ब्लर तो नहीं हो रहा ना? नहीं, सही है। तीनों डायग्राम को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस हो जाए। चले, सारा थ्योरेटिकल पोर्शन था, इसलिए मैंने इसमें तुम्हें उतारने के लिए कुछ नहीं दिया। पीडीएफ जनरेट करके तुम्हें मिल जाएगी, है ना? जो मुझे लगता है उतारना चाहिए वो मैंने तुम्हें सिर्फ इतना सा, ये इसलिए पेन चलवाया इस चीज़ पे ताकि तुम आगे याद रखो कि दो कंटीन्यूअस वेक्टर का सम तीसरे के बराबर होता, बस इतना सा। तो मैं अब आगे चलता हूँ बच्चों ना। तो कहानी मेरी ये है कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं, क्या लिखा है? अच्छा, दूसरी चीज पढ़ ले ना, क्या लिखा है? सब्सट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर्स। सब्सट्रैक्ट कैसे होते हैं ये दिखाता हूँ। ये कैसा वेक्टर है, ये कैसा है बी। अगर बच्चों में ये वाला जो वेक्टर बनाया है, इस वेक्टर को अगर कॉपी करके ऐसे नीचे घुमा दूँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसके क्या लेके आ जाऊं बताओ? कलर दिख रहा है कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट कर दूं, तो इस ऑपोजिट को क्या बोला जाएगा? अगर बीच में से कोई वेक्टर जाता है इधर से, तो सीधा क्या लिखते हैं? ए प्लस। और यहां से अगर जाएगा तो क्या लिखेंगे? ए प्लस। लेकिन बी कैसा है, इसलिए क्या हो जाएगा? क्या पढ़ना था मुझे? हो गया सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर आपस में सब्सट्रैक्ट कैसे होते हैं? ऑपोजिट वेक्टर को जोड़ दो, अपने आप वेक्टर क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, है ना? तो क्या लिखता हूं मैं यहां पर? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, या फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट और रिजोल्यूशन दोनों के बारे में चर्चा करता हूं। मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, और एक वेक्टर क्या है बच्चों? बी। या फिर इसको बाद में देखते हैं, मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूं मैं, इसी के अंदर बना दूं क्या? यहां सही रहेगा, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, और मैंने मेरी इच्छा से एक वेक्टर बनाया ऐसे। वेक्टर का नाम क्या दे दिया? जो कि एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है। तो यहां से मुझे कंपोनेंट करना, कंपोनेंट मतलब मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए? मुझे एक्स की वैल्यू निकाल के दे दो, और किसकी? क्योंकि यही क्या होता है, मानते हो कि नहीं मानते हो? एक्स आई के प्लस वाई जे के। तो मैं क्या करने वाला हूं देखना, अगर मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए या मुझे किसकी वैल्यू चाहिए वाई की, तो मुझे दिया हुआ क्या है?
तो सुनो जरा, टेन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और साइन थीटा क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा बराबर क्या होता है? तुम्हें क्या क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए एक तो वाई, तुम्हें चाहिए एक्स। वाई मतलब क्या चाहिए और एक्स मतलब क्या चाहिए? बेस। अगर तुम्हें परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेन्यूस दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला उठाओगे बताओ? अरे परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेन्यूस दे रखा है तो कौन सा उठाओगे? तो मैं यहां पर साइन थीटा लिखता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस देयर विल वाई अपॉन में आर। तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? वाई अपॉन आर। और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर साइन थीटा। इसी प्रकार अब तुम्हें वाई तो मिल गया, एक्स चाहिए। एक्स मतलब क्या चाहिए? वो दिया हुआ क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो बेस और हाइपोटेन्यूस के लिए कौन सा फॉर्मूला? कोस थीटा। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, कोस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है? एक्स। हाइपोटेन्यूस कितना है? आर। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक्स अपन आर। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? आर कोस थीटा। बोलो समझ में आया? तुम्हें एक्स की वैल्यू भी मिल गई, तुम्हें वाई की वैल्यू भी मिल गई, समझ में भी आ गया तुम्हें? यही कंपोनेंट कहलाते हैं वेक्टर के। तो अब मैं इस चीज़ को रटवाना चाह रहा हूँ, रटवा दूँ? समझवा तो दिया मैंने। रटवाने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए पहले कंपोनेंट बना दूँ। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा था, अगर हमारे पास ऐसा कोई वैक्टर जाए बीच में से आर, और एंगल कितना बनाए? ठीठा। तो कंपोनेंट ऐसे बनाना, जहां एंगल बनता है वहां कोस थीटा, और जहां नहीं बनता वहां पर आर साइन थीटा। मतलब इधर देखो ढंग से, ये जो मुझे वैल्यू मिली किसकी बच्चों? वाई की। मतलब ये क्या यही वाई यहां तक के लिए भी लागू हो सकता है क्या? इसका मतलब ये वैल्यू जो है ना आर साइन थीटा, वो यहां पर भी लागू होगी या नहीं? और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आर कोस थीटा। तो वही मैं तुम्हें रटवा रहा हूं, जहां पर भी एंगल बने वहां कोस थीटा, जहां नहीं बने वहां, ये रटने वाली बात होगी अब, जहां भी एंगल बनेगा वहां कोस थीटा, जहां नहीं बनेगा वहां साइन थीटा। ये काम कहां का आता है ये मैं तुम्हें समझाता हूं, देखना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बच्चों तुम्हें ऐसे देखने को मिल सकते हैं कि एक ईंट लटकी हुई थी बढ़िया सी, और किसी ने उस ईंट को खींच दिया, एम मास की ईंट थी, थोड़ी लंबी मान लेते हो, और किसी ने यहां से एफ फोर्स लगा दिया इस पे, और इसके अंदर क्या आ गई बच्चों? टेंशन। इसमें भी क्या आ गई? टेंशन। टी टू या टी वन। और ये एंगल बना दिया, कितने एंगल पर खींचा? थीटा। ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा? तो मैं यहां पर एक क्रॉस बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम। इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है? इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है? टी वन। और नीचे कितना है? एंगल कितना? बस अब कंपोनेंट करने के लिए क्या करेंगे? जहां एंगल बनता है वहां कॉस थीटा, जहां नहीं बनता वहां साइन थीटा। याद रख लोगे क्या? एक तो मैंने इसका एग्जांपल इसमें समझाया, एक एग्जांपल और बताता हूं। मान लेते हैं कि ये बॉक्स बनाया, तुम्हें क्या लगता है किसी को ऑब्जेक्ट को खींचना आसान है या धकेलना? तुम्हारे हिसाब से पुश या पुल? पुश। देखते हैं, मान लो कि मैंने इस पर फोर्स लगाया, कितना? एफ फोर्स। एंगल कितना है? थीटा। ये मैंने फोर्स लगाया एफ, एंगल कितना है? थीटा। यहां पर खींचा और यहां पर धकेला है। तुम पता है जब भी टेढ़े बांगे फोर्स लगते हैं तो इसके कंपोनेंट होंगे, जहां एंगल बनता है वहां एफ कोस थीटा, जहां नहीं बनता वहां एफ साइन थीटा। इधर भी देखो, जहां एंगल बनेगा वहां एफ कोस थीटा, जहां नहीं बनेगा वहां पर एफ साइन थीटा। तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, जब मैं पुश करता हूं तो कुछ अमाउंट का फोर्स तो इसको आगे ले जा रहा है, और कुछ अमाउंट का फोर्स इसको कहां ले जा रहा है? नीचे। नीचे मतलब जमीन की तरफ धसा रहा है क्या इसको? मानते कि नहीं मानते हो? और इस वजह से बताओ तुम्हें दम ज्यादा लगाना पड़ेगा क्या, क्योंकि जमीन के साथ कॉन्टेक्ट बढ़ गया उसका। इस वाले केस में देखो, यहां फोर्स एफ कोस थीटा इसको आगे ले जा रहा है, लेकिन एफ साइन थीटा इसको क्या ले रहा है? हवा में भी उठा रहा है। तो किसी बॉडी को खींचना ज्यादा आसान है या धकेलना? क्योंकि धकेलते समय तो कुछ फोर्स जमीन पे भी जाता है, इस वजह से बॉडी का कॉन्टेक्ट अर्थ से बढ़ गया और फ्रिक्शन ज्यादा लग सकता है। कॉन्टेक्ट बढ़ गया इसलिए, इसका मतलब किसी बॉडी को, अच्छा फ्रिक्शन लेस ही सरफेस है, सरफेस ही कैसी हो? फ्रिक्शन लेस हो तब तो बात अलग है। इसलिए तुमने देखा वो ट्रैक्टर के अंदर ट्रॉली पीछे होती, कभी आगे देखा ट्रॉली को ट्रैक्टर के?
इसलिए ट्रैक्टर जो होता है ट्रॉली को खींच सकता है, ट्रक जो होता है पीछे ट्रॉली को खींच सकता है। अब जेसीबी का एग्जांपल मत लेना, सही है ना बच्चों? हमेशा किसी बॉडी को खींचना ही आसान होता है, जरूरी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। अगर ऑब्जेक्ट तुमसे छोटा है तो तुम उसको खींचो, तुमसे बड़ा तो उसको धकेलो। जैसे अलमीरा होती ना घर में, उसको हिलाने के लिए खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, धक्का ही देना पड़ता है। लेकिन अगर कोई छोटा है, जैसे बेंच होगी तो बेंच के लिए, जैसे ये चेयर है मेरे से छोटी है तो मैं इसको धक्का दूंगा तो आगे नहीं जाएगी। खींच दिया मैंने इसको, खींचते क्या हो रहा देख रहा, थोड़ी सी हवा में आ रही है, आसान है। अब धक्का दूं आगे नहीं जा रही, उधर चला जाऊं हवा मोड़ रही है थोड़ी थोड़ी। तो किसी को खींचना आसान है धकेलना, छोटी है तो खींचना आसान है और लंबी है अपनी हाइट तो धकेलना आसान है। तो अपने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ने के साथ साथ क्या पढ़ा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, उसमें एक मंत्र पढ़ लिया बच्चों, जहां एंगल बनता वहां कॉस थीटा, जहां नहीं बनता वहां साइन थीटा। बाकी बातें ब्रेक के बाद, पावर्ड बाय जेकी सर।